ये पानी की टंकी हमेशा छत पे क्यों रहती है? ये वाली पाइप ऊपर ना लग के नीचे क्यों लगी है? ये टी जैसी चीजें मुझे हर छत पे क्यों नजर आती है? तो इन सारे प्लम्बिंग और फिजिक्स से जुड़े हुए सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं मेरे इस वीडियो में। तो मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आप लोग को यहाँ पे प्लम्बिंग और कुछ फिटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे प्लम्बिंग और फिटिंग्स में बहुत अलग अलग टाइप की फिटिंग्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें फिटिंग आइटम्स होते हैं, कुछ सैनिटरी आइटम्स होते हैं और कुछ कुछ ड्रेनेज के आइटम्स होते हैं। ड्रेनेज में हमारा वही सब जाली वाली के आइटम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने घर के अंदर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने घर के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किचन की ओर जाएंगे। ये है हमारा किचन का रास्ता। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले किचन की तरफ ले जाऊंगा, फिर उसके बाद आगे और देखेंगे कि हम लोग क्या क्या देखने वाले, क्या क्या हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए पहले सबसे पहले किचन की ओर जाते हैं अंदर। अब यहाँ पे मैं किचन की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेन क्या है, यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे मैं किचन में आपको जो दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे गैस स्टोव है, यहाँ पे कुछ बॉटल्स है, पर मेन दोस्तों यहाँ पे जो मेरा आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाने का है मेन, वो है यहाँ पे जो किचन में जो सिंक लगा है, सिंक में जो भी यहाँ पे हमारी पाइप की फिटिंग्स हुई है, वो किस तरह से यहाँ पे फिटिंग्स हुई है आप लोगों को मैं आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जो ये पाइप की जो फिटिंग देख रहे हैं, ये क्या है, हमारी सैनिटरी फिटिंग्स है। ठीक है, और इस टाइप की पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वान बॉडी डिप कॉक। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये किस शेप का दिख रहा है, जैसे हमारा जो एक तो स्वान होता है, एक बर्ड होता है, तो स्वान टाइप का ही दिख रहा है। ठीक है, तो स्वान कैसा होता है, उसकी जो गर्दन होती है इस तरह से ऐसी लंबी होती है, इसलिए इस नल का ही जो इस टाइप का ही जो क्या नाम है हमारा, स्वान बॉडी डिप कॉक। ठीक है, और ये तो आप लोगों को पता है यहाँ पे हमारा ये क्या है, सिंक है। ठीक है, तो ये सिंक में हमारे किस टाइप के फिटिंग्स लगे हैं ये आपको पूरे बाहर से पता चलेगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे तो कुछ फिटिंग्स यहाँ पे दिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी फिटिंग्स लगाते हैं सब यहाँ पे हम लोग को मतलब घर के अंदर कोई भी पाइप की फिटिंग्स नहीं दिखनी चाहिए, तो हम लोग इसको अंदर से ही इंटरनली पूरा इसको फिटिंग किए हैं। तो आप लोग को आगे यहाँ पे पता चलने वाला है कि किस तरह से यहाँ पे फिटिंग्स हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से मैं पीछे जाऊँगा। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों हम यहाँ पे डब्ल्यू सी देखेंगे और यहाँ पे वॉशरूम को देखेंगे कि वॉशरूम का यहाँ पे सिस्टम कैसा लगा है और डब्ल्यू सी का यहाँ पे सिस्टम किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जितने भी सैनिटरी फिटिंग या फिर ड्रेनेज फिटिंग जो भी यहाँ पे लगे हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स में बताने वाला हूँ। पर आप लोग यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कि मैं आप लोग एक चीज दिखा रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है हमारी ये जो व्हाइट पट्टी आप देख रहे हैं जहाँ पे मेरा शू जा रहा है, ये व्हाइट पट्टी क्या है, हमारी सील बैंड है। ठीक है, सील बैंड मैंने यहाँ पे जो लिया है 100 mm का लिया है। ठीक है, 100 mm या फिर 4 इंच बोलो आप लोग। ठीक है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं कि जो जो हमारा जो WC का है, जो मतलब जो यहाँ पे हमारा वेस्टर्न टॉयलेट लगा हुआ है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा सील बैंड के नीचे है। पर आप यहाँ पे बाथरूम में देख रहे होंगे यहाँ पे सील बैंड के ऊपर है। ये क्यों ऐसा रखे है, क्योंकि सुटेबिलिटी के ऊपर है, मतलब किसी में कुछ भी चीज में प्रॉब्लम ना हो कि हम लोग अगर वॉशरूम यूज कर रहे हैं मतलब WC को यूज कर रहे हैं तो हमारे आसपास सब कुछ रहना पड़े। और जैसे कि मैं बाथरूम की बात करूं तो बाथरूम देख रहे हो सील बैंड के ऊपर है सब कुछ, जिससे क्या है कि हम लोग को जैसे कि अगर हम लोग को नहाना है या फिर जो भी चीज करना है तो हम लोग को आसानी से हम लोग सब चीज को यूज कर सके। मतलब कि अगर हम लोग को नल चालू करना है तो हम लोग को नीचे ना झुकना पड़े, अगर ऐसा या फिर थोड़ा ऊपर भी नहीं रख सकते कि हम लोग ऊपर से नल चालू कर रहे हैं, तो इसीलिए सबकी सुटेबिलिटी के हिसाब से हम लोग एकदम उसको सेट रखते हैं, बाथरूम का सिस्टम और यहाँ पे WC का सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग WC के पास जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारी जो भी ये फिटिंग्स लगे हैं ये क्या है, हमारे प्लम्बिंग के फिटिंग आइटम्स है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे जो एल्बो लगा है, एल्बो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एल्बो 90° एंड एल्बो 45°, पर हमने यहाँ पे जो यूज किया है वो है एल्बो 90°। फिर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टी लगा है। टी क्या करता है हमारा, टू कनेक्ट 3 पाइप एट अ सिंगल जंक्शन। मतलब कि ये हमारा एक सिंगल जंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि 3 पाइप यहाँ पे कनेक्ट है, मतलब
ये पहला पाइप ये वाला है, दूसरा पाइप ये वाला है और तीसरा पाइप ये वाला है। एक सिंगल जंक्शन से हमारा इतने सारे पाइप यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हमारा मेन कनेक्शन है, यहाँ से आया 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 और ये जो टी से हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पानी, एक इधर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और एक नीचे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। जो इधर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मतलब कि ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये वाला कनेक्शन जो हुआ है हमारा, इस पाइप से हमारा किससे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये सिस्टम से कनेक्ट है। जो हमारा जो डब्ल्यू सी का जो सिस्टम होता है मतलब, तो जो मैं वेस्टर्न टॉयलेट की बात करूँ, वेस्टर्न टॉयलेट के पीछे जो सिस्टम लगा रहता है वो इससे यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा जो दूसरा कनेक्शन है वो कैसे हुआ, एक पहला कनेक्शन तो यहाँ से गया और जो दूसरा कनेक्शन है यहाँ से ये एल्बो के थ्रू हमारा गया है यहाँ पे ये इस नल में। और इस नल को हम लोग अगर सिविल इंजीनियर है तो टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो टेक्निकल लैंग्वेज में इस नल को हम लोग बोलते हैं पिलर कॉक, ठीक है। ये कौन सा, एक इस टाइप का पिलर कॉक है, ये हमारा लॉन्ग बॉडी पिलर कॉक है क्योंकि इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी लॉन्ग है, लंबी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं और भी चीज आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे आप जैसे कनेक्शन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे जो फिटिंग आइटम है, ये हमारे फिटिंग आइटम का नाम है एंगल कॉक, टू वे एंगल कॉक। टू वे एंगल कॉक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग को दो कनेक्शन दिया, एक यहाँ से कनेक्शन दिया और एक यहाँ से कनेक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसको जेट स्ट्रेप जैसे भी बोल सकते हैं या फिर हेल्थ फॉसेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मतलब अगर हम लोग सिंपल देखना जाए मतलब कि ये हमारा किससे कनेक्ट है, हमारा ये एंगल टू वे एंगल कॉक से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ फॉसेट। और जो यहाँ पे एक छोटा मतलब डब्ल्यू सी में जो कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्प्रे, ठीक है। पर हमारा यहाँ पे किस तरह से है, ये हम लोग यहाँ पे इस टॉयलेट में हम लोग हेल्थ फॉसेट का यूज किए हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं ये हमारी कौन सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेन जाली बोलते हैं। ड्रेन जाली तो बोलते, पर साथ ही साथ इसका जो टेक्निकल वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं सीपी मैस, ठीक है, या फिर सीपी मैस बोलो या फिर सीपी होल मैश। होल मैश मतलब कि यहाँ पे हमारा होल है, ठीक है, बराबर होल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपी होल मैश, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लू कलर की चीज दिख रही है, तो ये ब्लू कलर की चीज हमारी क्या है, यहाँ पे एंड ट्रैप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा ये मतलब जो डब्ल्यू सी है, जो हमारा जो वॉशरूम है, यहाँ पे हम लोग दो टाइप का ट्रैप का यूज करते हैं, एक हमारा एंड ट्रैप होता है और जो दूसरा होता है हमारा पी ट्रैप। एंड ट्रैप को हम लोग क्या बोलते हैं और आम भाषा में क्या बोलते हैं, नहानी ट्रैप। जैसे अगर आप हार्डवेयर शॉप में जाओगे तो उसको अगर आप एंड ट्रैप बोलोगे तो उसको एंड ट्रैप समझ नहीं आएगा, उसको बोलना कि भैया मुझे नहानी ट्रैप चाहिए, तो वो आपको नहानी ट्रैप यहाँ से देगा, ठीक है। और जो हमारा जो मैंने आपको बात कर रहा था पी ट्रैप के बारे में, पी ट्रैप हमारा कहाँ लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है। जैसे आप डब्ल्यू सी देख रहे हैं, ये हमारा वेस्टर्न टॉयलेट देख रहे हैं, वेस्टर्न टॉयलेट में जो पी ट्रैप लगा रहता है ये हमारा नीचे में लगा रहता है। आप लोगों को मैं बाहर से दिखाऊंगा कि इस तरह से हम लोग पी ट्रैप को यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। आप लोगों को अब इतना समझ तो आ चुका होगा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे फिटिंग्स हुए, किस तरह के मतलब किस फिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे कौन से आइटम्स है, फिटिंग आइटम्स है, ठीक है। और जो ये वाले आप जो आइटम देख रहे हैं ये क्या है, हमारे सैनिटरी आइटम है, क्योंकि हमारे प्लम्बिंग में अलग अलग टाइप के आइटम्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ फिटिंग आइटम्स हो गए और ड्रेन आइटम्स हो गए और लास्ट में हमारा क्या होता है, सैनिटरी आइटम, ठीक है। तो ये जैसे मैं आके आपको बता रहा था ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू वे एंगल कॉक, ठीक है। टू वे एंगल कॉक तो बोलते हैं, तो इसको हम लोग कौन से पार्ट में आता है, हमारे सैनिटरी आइटम्स में आता है। और जैसे ये है, ये वाला क्या है, हमारा हेल्थ फॉसेट है, ये भी हमारा किस में आता है, सैनिटरी आइटम्स में आता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हम लोग बाथरूम की ओर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा सील बैंड के ऊपर आएगा, सील बैंड हमारा को थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, कम से कम 900 mm तक रहता है हमारा, ठीक है। तो 900 mm तक रहता है, तो उससे क्या होता है, जो भी मतलब 5 से 6 फीट वाले लोग ये इसको आसानी से यहाँ पे जितने भी यहाँ पे टैप लगे हैं, शावर लगे हैं, आसानी से उसको यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आप लोग को मेन कनेक्शन दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये क्या है, ये हमारा एल्बो है, ठीक है। इसको आपको और पास करके दिखाता हूँ मैं, ये क्या लगा है, हमारा एल्बो लगा है, ठीक है। यही से हमारा मेन कनेक्शन पाइप आया, मतलब कि जो यहाँ पे बाथरूम का जो पानी आया है, जो मतलब जो पाइप आया है, ये हमारा यही से मेन आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आया एल्बो से इधर नीचे जाते हैं, ये हमारा टी लगा है। टी क्या होता है, हमारा तीन चौक यहाँ पे हमको जॉइंट्स देता है एक सिंगल कनेक्शन से, ठीक है, या फिर एक सिंगल जंक्शन से। तो क्या हुआ, एक पाइप यहाँ से आया, एक पाइप इधर गया इसके पास, और एक पाइप कहाँ जा रहा है, हमारा गीजर से जा रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जूम करके, जूमआउट करके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा गीजर लगा हुआ है। इसका एक पाइप जो कनेक्ट होके हमारा इस पे गया है, ठीक है, और एक पाइप जो कनेक्ट होके हमारा इसमें गया शावर पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि जिसको गर्म पानी से नहाना है वो यहाँ से गर्म पानी से नहा सकता है, और जिसको ठंडे पानी से नहाना है वो यहाँ से ठंडे पानी को यूज कर सकता है,
इतना ही है यहाँ का कहानी, बस ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग अब घर के दूसरे तरफ जाते हैं, यहाँ से मुड़ेंगे हम लोग। ये हमारा किचन का रास्ता है, अब ये हमारा यहाँ से बाहर का रास्ता है। ठीक है, अब बाहर की ओर चलेंगे हम लोग। इस रास्ते से हम लोग आए थे तो जाएंगे मगर दूसरे रास्ते से। रास्ता हमारा कहाँ पे है, यहाँ से हमारा ये दूसरा रास्ता। ठीक है, यहाँ से हम लोग एग्जिट होंगे। ठीक है, अभी घर हमारा मरम्मत में है तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा अभी यहाँ पे डोर नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने डोर को डायरेक्ट ओपन कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग घर के बैक साइड में जाएंगे जहाँ से हमारी मेन पाइपलाइन आई है। ठीक है, A few moments later. तो जैसे कि दोस्तों आपको मैं बता रहा था, जो भी यहाँ पे हमारी मेन पाइपलाइंस गई है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले सब कुछ पहले तो मैं आपको मेन पाइपलाइंस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे जो हम लोग वाटर टैंक में, जैसे कि मैंने आप लोग से स्टार्टिंग में पूछा था कि हम लोग यहाँ पे जो वाटर टैंक के पास जो टी होता है, उस टी को हम लोग क्यों यूज करते हैं, ओवरफ्लो पाइप है इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, ये पूरा हम लोग डिटेल्स में और जानेंगे आगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं सबसे पहले यहाँ पे मेन पाइपलाइन दिखा देता हूँ। ये देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से हमारा इस वाटर टैंक से, ये देखो ये वाटर टैंक है हमारा, यहाँ पे बराबर सब कुछ टी लगा है, ओवरफ्लो पाइप भी लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्या है, हमारा मेन कनेक्शन पाइप है, यहाँ से हमारा पाइप आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन भी बोलते हैं, या फिर आप इसको, इसमें दो टाइप की लाइन होती है, एक सप्लाई लाइन होती है, जिसमें सप्लाई लाइन मतलब क्या होता है, जहां से हम वाटर टैंक में पानी देते हैं, मतलब ग्राउंड लेवल से हम लोग पानी देते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, किसी को हम लोग बांट रहे हैं। ठीक है, या फिर डिलीवरी मतलब देना हो गया, मतलब देना मतलब क्या हो गया कि जैसे यहां से भी ये पानी आ रहा है, तो यहां से देखो क्या हो रहा है, एक हमारा इधर जा रहा है और एक हमारा किधर से जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, मतलब कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम लोग पानी को बांट रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा बाथरूम का। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मेंशन भी करके रखा है कि ये कौन सा पाइप है, हमारा बाथरूम पाइप है। ठीक है, यहाँ से हमारा बाथरूम पाइप गया था, उस टाइम भी जो हम लोग एल्बो का यूज किए थे, एल्बो का यहाँ पे एल्बो का कलर देख सकते हैं, यहाँ पे वॉयलेट है, वॉयलेट मैंने इसलिए दिया कि जिससे आप लोग यहाँ पे जान सके कि बाथरूम में मैंने जो पाइप दिया था ये वही वाला पाइप है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका कलर कर दिया वॉयलेट। ठीक है, ये हमारा बाथरूम का पाइप है, और जो दूसरा पाइप गया हमारा, देखो यहाँ पे भी एक टी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब जो दूसरा पाइप है वो थोड़ा सील बैंड के नीचे था, तो ये सील बैंड के नीचे यहाँ पे आपका बराबर से यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो पाइप है हमारा कहाँ पे गया, टॉयलेट में गया है। ठीक है, अब आगे आपको मैं और भी दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये वाला पाइप देख रहे हैं, ये वाला पाइप हमारा कहाँ गया, किचन में गया। जैसे मैं आप लोगों को सबसे पहले कहाँ ले गया था, किचन में ले गया था, तो ये वाली कौन सी पाइप है, हमारे किचन की पाइप है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो दिखाने वाला हूँ वो क्या है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला क्या है हमारा, ब्लू कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को, मैंने जैसे बताया था वो था हमारा एंड ट्रैप, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नहाने ट्रैप भी बोलते हैं। तो हमारे जो बाथरूम में जो लगा है वहाँ पे सिर्फ एक ट्रैप लगा है, जो कि उसका नाम है हमारा नहाने ट्रैप, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। पर हमारे जो WC था, जो मतलब हमारा जो वेस्टर्न टॉयलेट जहाँ पे था, वहाँ पे हमारे दो ट्रैप लगे थे, एक नहाने ट्रैप लगा है, जो कि यहाँ पे हमारा एक नहाने ट्रैप लगा है, और जो यहाँ पे आप देख रहे पाइपलाइन, ये हमारा कौन सा ट्रैप है, ये हमारा है पी ट्रैप, यहाँ पे मैंने पी ट्रैप लगाया और यहाँ पे नहाने ट्रैप लगाया। अब वो किस तरह से दिखेगा वो आप लोगों को मैं अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप दोस्तों हम लोग यहाँ पे नहाने ट्रैप देखेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को अंदर ले जाऊंगा और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे नहाने ट्रैप यहाँ पे हमारे घर में लगे रहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, नहाने ट्रैप है। आपको और जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखो ये हमारा क्या है, नहाने ट्रैप है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो एक और ब्लू वाला दिख रहा है, ये हमारा कौन सा एरिया, ये वाला, मैं आपको और यहाँ पे मेंशन करके दिखाता हूँ, ये वाला है हमारा, ये भी नहाने ट्रैप है, पर ये हमारा कौन सा एरिया का है, बाथरूम का एरिया का है, ये हमारा बाथरूम वाले एरिया का नहाने ट्रैप है। और जो ये वाला नहाने ट्रैप आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा WC का, या फिर वॉशरूम की बात करूँ तो ये हमारे वहाँ के रूम का नहाने ट्रैप है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि पी ट्रैप किस तरह से लगे रहता है हमारे घर, मतलब हमारे टॉयलेट में। ठीक है, अब हम यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं, ये हमारी पाइप लाइन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं एरिया, अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर की आप जो देख रहे हो पोर्शन दोस्तों, ये है हमारा पी ट्रैप। अभी पी ट्रैप किस तरह से लगे रहते हैं ये आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। देख रहे दोस्तों, ये है हमारा पी ट्रैप, आप लोग और अच्छे से दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देख रहे दोस्तों ये क्या है हमारा पी ट्रैप है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पी ट्रैप लगे रहता है, जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये टॉयलेट का है, टॉयलेट का पोर्शन मैंने बताया था कि ये हमारा जस्ट
थोड़ा सा नीचे लग रहा था, मतलब उसका जो सर्कल जो फेस रहता है, जो मतलब पी ड्राइव का जो सर्कल फेस रहता है वो उसके मतलब उसके टॉप तक हम लोग रखते हैं, बाकी जितना भी पोर्शन रहता है पी ड्राइव का वो पूरा हमारे उस जमीन के नीचे रहता है, मतलब प्रिंस लेवल के जस्ट नीचे रहता है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देख रहे हो ये है हमारा क्या है पी ट्रैप है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पी ट्रैप और एन ट्रैप यहाँ पे लगे रहते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, अब आपको और भी चीजें के बारे में बताता हूँ मैं। अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा किस तरह से नहानी ट्रैप होता है और किस तरह से हमारा पी ट्रैप यहाँ पे लगे रहते हैं हमारे बाथरूम में और हमारे डब्ल्यू सी में। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से मैंने क्या किया यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे बोरवेल किया है, यहाँ पे आप अंदर में देख रहे हैं ये हमारा क्या है बोरवेल है। अब डायरेक्ट हम लोग को पानी तो एक बार में मिलेगा नहीं, थोड़ा सा हम लोग को ड्रिल करना पड़ेगा, अंदर अच्छे से खोदना पड़ेगा तभी हम लोग को पानी मिलेगा। तो देखो हमारा एक ग्राउंड लेवल में थोड़े दूर तक हमारा क्या है यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है पूरा, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो पूरा मिट्टी ही मिट्टी है। फिर उसके बाद थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा पानी। ठीक है, ये पानी मिल गया हमारा, और ये क्या है हमारा ट्यूबवेल है या फिर बोरवेल है। ओके, फिर इस बोरवेल से इस मोटर में हमारा मतलब यहाँ पे हम लोग मोटर लगाए थे जिससे कि यहाँ से हम लोग पानी को खींच के कहाँ पे ले जाएंगे, इस वाटर टैंक में ले जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को और थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाइपलाइन लगी हुई है, ये पाइपलाइन को मतलब इतना दूर में नहीं रखना चाहिए, कम से कम ना यहाँ से मतलब 1 फीट तक बस यहाँ पे दूरी रखना चाहिए। मतलब ऐसा क्या होता है ना, जैसे कि यहाँ पे पैरापेट वॉल जब लग जाएंगे, जब ये घर टोटली बन जाएगा, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि अगर घर में कोई छोटे बच्चे होते तो क्या करते हैं छोटे बच्चे, इस पाइप में झूलते हैं। तो इस पाइप को कम से कम आप लोग ना 1 फीट तक रखिएगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि हम लोग को 1 फीट तक ही यहाँ पे मतलब इसकी जो ये लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, इसको हम लोग कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 1 फीट तक रखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपका मैंने आपको रीजन बताया, ये सिंपल रीजन है, मतलब ऐसा होता ही है, मतलब बच्चे इस पाइप में झूलेंगे, पाइप में झूलेंगे तो फिर क्या होगा, लॉस होगा हमारा इससे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में ये बताने वाला हूँ कि हम लोग ये जो यहाँ पे जो वाटर टैंक के बाद जो टी रहता है, ये टी का यूज क्या होता है। और जो दूसरा सवाल मैं आप लोग से किया था वो ये था कि जो ये वाटर टैंक हमेशा हम लोग छत पे क्यों देते हैं, नीचे क्यों नहीं देते। तो एक बार दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा टी का क्या यूज होता है। और जो दूसरा क्वेश्चन किया था कि वाटर टैंक हम लोग नीचे क्यों रखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।